गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द कोलिजन्स, उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल दिव्य में प्रत्यास्थ टक्कर। और इसको हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो वो है द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग पार्टिकल बाय ए पार्टिकल एट रेस्ट ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, कि एक स्थिर कण से दूसरा जो कण आ रहा है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो इसके कारण जो विचलन होता है उसका विश्लेषण हम इसमें करते हैं। तो जैसे हमने आप पहले भी किया है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। इसमें ये मानते हैं कि दूसरा कण जिसका मास m2 है उसका वेग टक्कर से पहले जीरो है, उसकी ओर जो पहला कण आ रहा है जिसका द्रव्यमान m1 है u1 वेग से उसकी ओर आ रहा है, जब टक्कर हो जाती है दोनों के बीच में तो टक्कर के पश्चात जो पहला कण है वह है m1 v1 वेलोसिटी से थीटा 1 कोण से आगे बढ़ जाता है, और दूसरा जो कण है जो स्तर था वो m2 मास वाला वो v2 कोण से जो प्रारंभिक जो दिशा थी एक्सेस उसके रेस्पेक्ट में थीटा टू कोण बनाता है, यानी पहला थीटा वन कोण से विचलित हो जाता है और दूसरा थीटा टू कोण से विचलित हो जाता है। अब हम समय के संचरण के नियम लागू करते हैं। शुरुआत में एक्सेस में देखते हैं तो एम वन यू वन प्लस जीरो इक्वल टू एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू। इसी तरह से वाई एक्सेस में देखें, क्योंकि एक्सिस में टक्कर से पहले कोई वेग ही नहीं था, ऊपर की ओर वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं, तो पहले कण की भी जीरो दूसरे की भी समय जीरो। टक्कर के बाद में पहला कण क्योंकि प्लस वाई दिशा में है तो इसका आ जाएगा एम वन वी वन साइन थीटा वन, और दूसरे का जो एम टू है उसका क्योंकि नीचे की तरफ माइनस वाई दिशा में उसमें माइनस आएगा, सो माइनस एम टू वी टू साइन थीटा। इसी तरह से गति ऊर्जा संचरण का नियम, क्योंकि हमने ये माना कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, सो वन बाई टू एम वन यू वन स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू एम वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू स्क्वायर। फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके हम देखें तो देखें कि यह तीन इक्वेशंस हैं और अज्ञात राशि हमारे पास में चार है, कौन कौन सी वी वन वी टू एंड थीटा वन थीटा टू, दोनों के विचलन कोण टक्कर के बाद में और दोनों के टक्कर के बाद में वेग। इसलिए कहते हैं कि इस मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम्स है कि जितने वेरिएबल्स है जैसे अननोन क्वांटिटी उतने इक्वेशन को होने ही चाहिए, तो उतने नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, अतः इस समस्या का हल लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर किस में करेंगे, नेक्स्ट निर्देश तंत्र जो होता हमारा वो होता है सी एम निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है। उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। द्रव्यमान निर्देश तंत्र में 2D कोलिजन्स को कैसे डिस्कस करते हैं। माना कि द्रव्यमान कण जो वेग है उसका वी सी एम इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, क्योंकि यू टू जीरो है द्वितीय कण तो रेस्ट में है, इसलिए वी सी एम आएगा एम वन यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। अब सी एम निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है, अतः टक्कर से पूर्व एम वन का सी एम के सापेक्ष वेग यू वन डैश, हम जो यू वन और यू टू है वी वन वी टू है वो हमारे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। अब हम सी एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो इसको प्राइम से या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सो यू वन डैश इक्वल टू आ जाएगा यू वन माइनस वी सी एम या यू वन माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, तो जो रिजल्ट आता है वो एम टू यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। इसी प्रकार हम एम टू का वेग निकाल लेते हैं, यू टू डैश इक्वल टू यू टू माइनस बी सी एम, यू टू जीरो है तो माइनस बी सी एम के बराबर होता है माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। इसी प्रकार टक्कर के बाद देखें तो हमें मिलता है वी वन डैश इक्वल टू वी वन माइनस बी सी एम और वी टू डैश इक्वल टू वी टू माइनस वी सी एम। क्योंकि सी एम निर्देश तंत्र में परिभाषा से हमने कैलकुलेट कर रखा है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा निश्चित रहता है स्थिर रहता है, मतलब कुल समय हमेशा शून्य ही रहता है, तो हम लिख सकते हैं एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट एम वन यू वन डैश इक्वल टू माइनस ऑफ द एम टू यू टू डैश, यानी दोनों फ्रेम ऑफ
सीएम निर्देश तंत्र में दोनों के जो संवेग समान एवं कृत होते हैं। इसी प्रकार टक्कर के बाद भी यही स्थिति प्राप्त होती है, एम वन वी वन डैश इक्वल टू एम टू वी टू डैश। सो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें वी वन डैश और वी टू डैश में, तो जो रिजल्ट मिलता है एम वन वी वन डैश को हम वी वन माइनस वी सी एम लिख सकते हैं, ये रिजल्ट मिलता है इस तरह से। इसी तरह से एम टू वी टू डैश देखें तो वो भी इस तरह से वी टू माइनस वी सी एम हो जाता है, वी सी एम वी वन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो जो मिलता है वो बना, इस तरह से रिजल्ट मिलता है। दिस सो दैट द टक्कर के पश्चात कणों के वेग वी वन डैश तथा वी टू डैश परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जैसे फिगर में समझाया हमने कि यू वन डैश ये सी एम निर्देश तंत्र की बात है, वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फिगर था, ये सी एम निर्देश तंत्र में द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में। देखिए एम वन द्रव्यमान जो है वो यू वन डैश वेलोसिटी से आ रहा है सेंटर ऑफ मास की तरफ, क्योंकि उसका वेलोसिटी प्रारंभिक वेग से अपोजिट है, तो यू टू डैश अपोजिट हो जाता है और पहले वाले से, तो दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से हम देखिए कि टक्कर के बाद में दोनों अब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं, माना कि ये थीटा कोण से विचलित हो जाते हैं। सो जो पहला कण देखें वो एम वन वी वन डैश है, दूसरा एम टू वी टू डैश है, दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं, दोनों के संवेग बराबर में विपरीत होते हैं। सो एम वन यू वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यू टू डैश परिमाण चाहिए हमें, तो यदि यू टू डैश इक्वल टू द एम वन बाई द एम टू यू वन डैश, और इसी तरह से यदि दूसरे का परिमाण चाहिए तो वी टू डैश इक्वल टू द माइनस एम वन बाई द एम टू वी वन डैश। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन 1/2 एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस 1/2 एम टू यू टू डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस एम टू वी टू डैश स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 1/2 एम वन, क्योंकि सारी की वेलोसिटीज यू वन पर मिल गई, जैसे हमने लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहा कि सारी जो प्रारंभिक वेग पहले कण का ही है, दूसरा तो एक रेस्ट। सो सारी इक्वेशन हमने यू वन के टर्म्स में लिखी है, सो वी कैन राइट 1/2 एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस 1/2 एम टू एम वन स्क्वायर बाय द यू वन स्क्वायर बाय द एम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, वी टू डैश को लिखा हमने, और इसी तरह से वी टू डैश को लिखा हमने 1/2 एम वन वी वन डैश स्क्वायर बाय द एम टू, तो दोनों एक यू वन डैश में आएगा एक वी वन डैश में आएगा। सो वी कैन राइट 1/2 एम वन यू वन डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वन प्लस एम वन बाई एम टू इक्वल टू 1/2 एम वन वी वन डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द वन प्लस एम वन बाई एम टू, तो एम 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 एम वन यू वन डैश स्क्वायर इक्वल 1/2 एम वन यू वन डैश स्क्वायर, एम वन कैंसिल, सो यू वन डैश स्क्वायर इक्वल टू यू वन डैश स्क्वायर, यानी दोनों के परिमाण बराबर होते हैं टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में इस सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसी तरह से दूसरे कण के लिए भी सेम कंडीशन प्राप्त होती है। सो कंक्लूजन्स निकल सकते हैं अपन निष्कर्ष, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास टक्कर के कारण कणों के वेग परिमाण समान रहता है परंतु दिशाएं बदल जाती है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।